जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कोठारी इंस्टीट्यूट। मैं रोहित सिंह स्वागत करता हूं आपका आज के डेली करंट अफेयर्स के ऑडियो सेशन में। दोस्तों शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। नौसेना द्वारा हाल ही में किस महिला अधिकारी को नेवल अटैची के रूप में विदेश में तैनात किया गया? ऑप्शन है करबी गोगोई, ललिता माथुर, अंजलि मोहन, नंदनी अवस्थी। तो इसका सही जवाब है करबी गोगोई। लेफ्टिनेंट कमांडर करबी गोगोई को भारतीय नेवी द्वारा रूस में असिस्टेंट नेवल अटैची के रूप में तैनात किया जाएगा। उनके अतिरिक्त अंजलि सिंह डिप्टी अटैची के रूप में रूस में तैनात होंगी। लेफ्टिनेंट कमांडर गोगोई वर्तमान में कर्नाटक में बतौर इंजीनियर पोस्टेड है। वे वर्ष 2010 में भारतीय नौसेना में शामिल हुई थी। डिफेंस अटैची मेजबान देश के सैन्य अधिकारियों के साथ मुख्य इंटरफेस के रूप में कार्य करते हैं। वर्तमान में नेवी के चीफ का नाम है रियर एडमिरल करमवीर सिंह। हमारी भारतीय नेवी के तीन कमांड हैं, इसमें जो पूर्वी कमांड है वो विशाखापट्टनम में, दक्षिणी कमांड कोची में है, और जो पश्चिमी कमांड है वो मुंबई में है। बिहार के किस प्रसिद्ध गणितज्ञ का हाल ही में निधन हो गया? ऑप्शन है वशिष्ठ नारायण सिंह, बसंत सागर, हरीश चंद्र, राहुल सचदेवा। इसका सही जवाब है वशिष्ठ नारायण सिंह। मिस्टर सिंह ने आइंस्टीन के सापेक्ष सिद्धांत को चुनौती दी थी। वशिष्ठ नारायण साल 1965 में अमेरिका चले गए थे और साल 1969 में उन्होंने कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से अपनी पीएचडी की पढ़ाई पूरी की। वे वॉशिंगटन विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर भी रहे। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा 1548 करोड़ रुपए की फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई? ऑप्शन है पंजाब, बिहार, कर्नाटक, केरल। इसका सही जवाब है केरल। इस परियोजना के अंतर्गत राज्य में लगभग 2 मिलियन गरीब परिवारों को मुफ्त हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन की सुविधा प्रदान की जाएगी। यह परियोजना केरल राज्य बिजली बोर्ड और केरल राज्य सूचना प्रौद्योगिकी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की एक सहयोगात्मक पहल है। इस परियोजना के पूरे होने पर केरल राज्य, जो पहले से ही मानव विकास संकेत को शीर्ष डिजिटल विकास के क्षेत्र में भी विकास करेगा। निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति को गणतंत्र दिवस 2020 का मुख्य अतिथि बनाया गया है? ऑप्शन है रूस, यूक्रेन, स्विट्जरलैंड, ब्राजील। तो इसका सही जवाब है ब्राजील। ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो अगले साल भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निमंत्रण दिया था, जो कि ब्रिक्स की 11वीं शिखर सम्मेलन बैठक में भाग लेने के लिए ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया पहुंचे हुए हैं। मोदी 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए ब्राज़ील में है। उनके साथ एक बड़ा व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी भारत आएगा। इसके पहले पिछले साल हमने साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा को गणतंत्र दिवस का मुख्य अतिथि बनाया था। उच्चतम न्यायालय ने किस लड़ाकू विमान सौदा मामले में केंद्र सरकार को क्लीन चिट देते हुए कहा कि पुनर्विचार याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं है? ऑप्शन है राफेल लड़ाकू विमान, तेजस लड़ाकू विमान, सुखोई लड़ाकू विमान, अपाचे लड़ाकू विमान। तो इसका सही जवाब है राफेल लड़ाकू विमान। न्यायालय ने अपने 14 दिसंबर 2018 के फैसले को पुनर्विचार करने की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। 14 दिसंबर के फैसले में कहा गया कि 36 राफेल लड़ाकू विमानों के खरीदने के निर्णय निर्धारण की प्रक्रिया पर संदेह करने की कोई बात नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने इस दलील को भी खारिज किया कि इस सौदे के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने की आवश्यकता है। राफेल फ्रांस देश की फाइटर प्लेन बनाने वाली कंपनी डसॉल्ट का एक मल्टी रोल फाइटर प्लेन है, और जो कि भारत 36 राफेल फ्रांस से खरीद रहा है। निम्नलिखित में से किस दिन विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है 12 नवंबर, 13 नवंबर, 14 नवंबर, 15 नवंबर। तो इसकी सही जवाब है 14 नवंबर। प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य मधुमेह रोग के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए दुनिया भर में जागरूकता फैलाना है। इसकी शुरुआत वर्ष 1991 में अंतर्राष्ट्रीय विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा मधुमेह संघ द्वारा की गई थी। एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 415 मिलियन लोग मधुमेह से पीड़ित हैं। मधुमेह के दौरान शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है और शरीर में शुगर का लेवल बढ़ता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संस्था ICC ने वेस्ट इंडीज के किस विकेट कीपर बल्लेबाज की गेंद की स्थिति बदलने का दोषी पाए जाने के कारण 4 अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए बैन कर दिया? ऑप्शन है निकोलस पूरन, क्रिस गेल, जेसन होल्डर, शाई होप। इसका सही जवाब है निकोलस पूरन। उनके खिलाफ ये कार्रवाई अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए तीसरे वनडे मैच के दौरान गेंद से छेड़छाड़ करने के आरोप में की गई थी।
पूरन पर आईसीसी के आचार संहिता के नियम 2.14 के उल्लंघन का आरोप लगाया गया, जो कि गेंद की स्थिति में बदलाव से जुड़ा हुआ है। बैन की वजह से वे आने वाले 4 अंतर्राष्ट्रीय T20 इंटरनेशनल मैचेस में नहीं खेल पाएंगे। उसके साथ ही उनके खाते में 5 नकारात्मक अंक भी जोड़ दिए गए हैं। आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है। वर्तमान में इसके सीईओ का नाम शशांक मनोहर है। निम्नलिखित में से किस भारतीय को न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट के बोर्ड में चुना गया? ऑप्शन है दीपिका पादुकोण, नीता अंबानी, सानिया मिर्जा, प्रियंका चोपड़ा। तो इसका सही जवाब है नीता अंबानी। लायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी को न्यूयॉर्क स्थित द मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट द मीट के बोर्ड में चुना गया है। उन्हें भारत की कला और संस्कृति को संरक्षित करने तथा उनका प्रचार करने की उनकी असाधारण प्रतिबद्धता के लिए यह उपलब्धता हासिल हुई है। यह म्यूजियम विश्व का सबसे बड़ा और सबसे अधिक देखा जाने वाला आर्ट म्यूजियम है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अध्यक्ष मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी 2016 से रिलायंस फाउंडेशन द्वारा द मीट को सहयोग दे रही हैं। हाल ही में किस न्यायमूर्ति ने मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर शपथ ली? ऑप्शन न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति सुनील कौर, न्यायमूर्ति संजय यादव। तो इसका सही जवाब है न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक। राज्यपाल तथागत रॉय ने राजभवन में मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा, कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों की मौजूदगी में उन्हें शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति रफीक ने न्यायमूर्ति अजय कुमार मित्तल का स्थान ग्रहण किया, जो अब मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक को 2008 में राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया गया था। उन्हें 1984 में राजस्थान उच्च न्यायालय के में कानून की प्रैक्टिस शुरू की थी। तो दोस्तों, ये रहे हमारे आज के डेली करंट अफेयर्स कॉन्वर्सेशन। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय।